माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, ये कि तुम परी नहीं बन सकती। तुम मत बनो परी, मत बनो। आज वो करो जो निक्की करना चाहती है, ये तो कर सकती हो ना? हम समझे नहीं। तुम जानती हो ना जिसके साथ तुम शूट कर रही हो वो कौन है? राजवीर कपूर, सुपरस्टार राजवीर कपूर, जिस पर हजारों लाखों करोड़ों लड़कियां मरती हैं। उसके सपने रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी लेती हैं। उसकी एक झलक देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। और थोड़े दिनों पहले तक तो तुम्हारी गिनती भी नहीं लड़कियों में होती थी, लेकिन आज तकदीर ने तुम्हें इतना बड़ा मौका दिया है जो हर किसी को नहीं मिलता। आज तुम रात से वो कह सकती हो जो इस देश की हर लड़की कहना चाहती है, लेकिन ये मौका सिर्फ तुम्हें मिला है। मुझे नहीं पता कि ये मौका तुम्हें फिर मिलेगा या नहीं, लेकिन वो कैमरा इस बात की गवाही जरूर देगा कि आज सेट पर तुमने रात से क्या कहा था। मुझे नहीं पता कि इस वक्त तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं, लेकिन फिर भी सोच लो। हमारी फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट सीन है और शायद तुम्हारी जिंदगी का भी। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं निक्की, सोच लो। एक्शन। तुम कितनी बड़ी झूठी हो यह बात मुझे आज पता चली है। हर कदम पर तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम्हारी हर चाल में फंसता चला गया। क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? हाँ, ये सच है कि मैंने तुमसे झूठ कहा, हर कदम पर तुम्हें धोखा दिया। लेकिन एक बात और एक सच जो मैंने तुमसे कहा वो तो तुमने समझा ही नहीं। कैसा सच? वो सच जो मेरी आंखों में था लेकिन होठों तक कभी ना आ सका, वो सच जैसे मैंने समझा लेकिन तुमने कभी नहीं। देखो मेरे इस चेहरे को, क्या दिखता है तुम्हें, सच या फिर झूठ? मेरा प्यार झूठा नहीं है। आए 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 लव, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
What a performance! What a performance! क्या किया तुमने ये क्या क्या कर क्या दिया ये लड़के ने देखो अरे कोई बताओ मुझे कि मैं क्या क्या कहूँ मतलब जो लाइन स्क्रिप्ट के अंदर नहीं थी वो भी इम्प्रोवाइज करके इसने क्या कर दिया ये क्या कोई बताओ कितनी छोटी सी बच्ची कल की लड़की मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस आज तक कभी नहीं देखी तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था कॉन्ग्रेचुलेशंस आज का तुम्हारा परफॉर्मेंस अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था जी जी वो तो बस हमने यूं ही कह दिया था यू इसे यूं ही कहना कहते हैं जी आपने तो हमें कई बार एक्टिंग करते हुए देखा होगा हाँ पर आज तुम कुछ और ही थी आई मीन बुरा मत मानना लेकिन आज से पहले जब भी तुम सेट पे आती थी लाइंस बोलती थी और चली जाती थी तुम्हारा ध्यान स्क्रिप्ट से ज्यादा तुम्हारे मेकअप पे और शुगर फ्री जूसेस पे रहता था पर आज जिस इंटेंसिटी से तुमने अपनी लाइंस बोली जिस तरीके से तुमने अपना कैरेक्टर को फील किया इट वॉज अमेजिंग ऐसा लग नहीं रहा था तुम एक्टिंग कर रही हो इट वॉज सो नेचुरल ऐसा लग रहा था कि लाइंस सीधा तुम्हारे दिल से निकल रही हैं सच में वो सच ही तो था क्या जी वो मेरा मतलब है कि वो सच ही तो था ना कि फिल्म की हीरोइन दीपिका आपसे बहुत प्यार करती है तो बस हमने उनके बारे में सोचा और अपनी लाइनें बोल दी अगर हम दीपिका होते तो शायद हम भी यही कहते ग्रेट अपने कैरेक्टर को इतनी बारीकी से जानना कोई मामूली बात नहीं है Excuse me, sir. Sir, shot ready है. हाँ तुम चलो मैं आता हूँ close-ups ready हैं. So,
I'll go. But good performance. अरे यार ये बॉस ने भी कहाँ फंसा दिया। अब इस कुमा वाली आइटम को कहाँ कैसे लेके घूमें? देख बॉस का हुकुम है, तो मानना ही पड़ेगा। अरे यार चल अभी। यस किससे मिलना है आपको? किससे मिलना है? किससे? डॉक्टर से। हाँ डॉक्टर, डॉक्टर मल्होत्रा, तुमसे मिलना है। पेशेंट है, सीरियस है थोड़ा। ठीक है जाइए। थैंक यू। थैंक्स। आप ठीक से लेटेंगे प्लीज? आप बार बार दरवाजे की ओर क्यों देख रहे हैं? अरे डॉक्टर आप चिल्ला क्यों रहे हैं? डॉक्टर कभी चिल्लाता है क्या? वो तो मुझे किसी का इंतजार है इसलिए देख रहा था डॉक्टर। ये क्या कर रहा? अभी नीचे गिरती थी। परी कौन? परी कहाँ की परी? वो बुर्का, वो बुर्का परी। क्या काका, इस उम्र में लड़कियां देखते हो, अच्छा लगता है क्या? ले चलो इसे। चलो परी। अच्छा हुआ यार वहां से सटक लिए, नहीं तो उस बुड्ढे ने तो हमारा भांडा ही फोड़ दिया था। अब जल्दी से परी मैम के दर्शन कराते हैं बॉस को, पर यहाँ से कल्टी मारते हैं। तो रुक मैं देखता हूँ। हाँ चल दिया, से पहले कोई देख ले अपन इसको बॉस को दिखा के कल्टी होते। क्या कर रहा है तू? परी परी है। अरे परी वो देखो, परी परी। अरे तू ये और ये बुड्ढा काला बुड्ढा व्हील चेयर परी, वो परी क्या कर रहे ला काका? किधर है परी, किधर है? सिस्टर थोड़ी इमरजेंसी है, डायग्नोस्टिक पेशेंट है, अर्जेंट है, मर जाएगी, ले जाना है, थोड़ा साइड दो प्लीज। अरे अब अंकल इतना बोल ही रहे तो चेक कर ही लो, शायद वो परी ही हो। हां हां ए रुको 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 ए रुको। कौन है आप लोग? कौन है पेशेंट? चेहरा दिखाओ। कौन है आप लोग? दिखा नहीं सकते, बुर्के वाली है। बुर्का हटाओ भाई। अरे नहीं बुर्का नहीं, बुर्का हटाओ भाई। किससे मिलना है आप लोगों को? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास। पेशेंट का चेहरा दिखाओ। कौन है आप लोग? जल्दी कर। कौन है ये? सो जाइए, ऑक्सीजन मास्क लगाओ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। कहाँ हो तुम लोग? अब तक तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। बॉस हम परी मैम को लेकर आ ही रहे थे, पर अचानक एक बुड्ढे ने उसे देख लिया। अगर बॉस हम वहां से कल्टी नहीं मारते तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, परी तुम लोगों के पास है ही नहीं। मैंने खुद अभी टीवी पर देखा है, परी तो शूटिंग कर रही है। तुम लोग सब मिले हुए हो, सब मिले हुए हो तुम लोग। माँ कसम बॉस अपुन सच कह रहा है। बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं तुम सबको देख लूंगा। क्या किया तुमने? कीप इट मेंटेन, अगला शॉट अभी 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। जी 5 मिनट में नेक्स्ट शॉट, ठीक है? अच्छा किया तुमने, गुड। मैं आपका अगला सीन है, इस सीन में। अच्छा एक बात बताओ, सच बोलो,
इससे पहले कभी एक्टिंग नहीं की, झूठ मत बोलना। अरे क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी थी तुमने, सबके मुंह खुले के खुले रह गए, ऐसे मुंह खुले के खुले ही रह गए थे। एक और बात बताऊं, परी मैम खुद इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करती। अरे नहीं नहीं, ये सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप नहीं होते तो शायद हम ये नहीं कर पाते। कभी सोचा भी नहीं था हमने कि हमारे साथ ऐसा होगा। सब कुछ एक सपने की तरह लगता है। चलो अच्छा है, किसी के सपने तो पूरे हो रहे हैं। अच्छा आपके सपने क्या है? नहीं छोड़ रहे तो। बताइए ना। नहीं छोड़ो, सीन समझते हैं। क्यों बताइए ना। तुम हंसोगी? नहीं नहीं हम नहीं हंसेंगे। प्रॉमिस? पिरामिस। अच्छा ओके वो देखो, अरे वहां नहीं, वहां वहां। डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर। डायरेक्टर? अच्छा तो आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं? वो मेरा सपना है, किसी दिन तो उस चेयर पर बैठूंगा, अपनी फिल्म बनाऊंगा। एक बात कहें, हम जब से आपसे मिले हैं आपकी आंखों में एक तलाश देखी है। जैसे? जैसे जैसे आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। अब पता चला कि आपकी नजर तो उस कुर्सी पर जमी हुई है। एक और बात कहें, हम आप जरूर डायरेक्टर बनेंगे और उस कुर्सी पर भी बैठेंगे। थैंक यू। और मैं भी एक बात कहूं, और तुम जो जिंदगी में पाना चाहती हो ना, तुम्हें भी जरूर मिलेगा। अरे आज तुमने इस तरह परफॉर्म किया था कि कोई नहीं कह सकता कि तुम कि हम परी नहीं है। हाँ तो तुम परी नहीं हो।